फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कुलचे छोले। कुलचे छोले बनाने के लिए मैंने व्हाइट चनों को उबाल लिया था और मैंने इनको चाय पत्ती के साथ उबाला है और देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउनिश कलर आ गया है व्हाइट चने के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही कलर जैसा हम बाहर रेडीमेड कुलचे छोले खाते हैं। कुलचे मैंने रेडीमेड ही लिए हैं, मार्केट से लिए हैं, ये आपको इजीली किसी भी बेकरी शॉप में मिल जाएंगे। और एक मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ एक, हरी मिर्च ली है एक, आप कम और ज़्यादा अपने तीखा खाने के हिसाब से कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है वाइट नमक, जीरा पाउडर, काला नमक एंड चाट मसाला। दो नमक मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि व्हाइट नमक मैं थोड़ा इस्तेमाल करूंगी, ब्लैक नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करूंगी। ब्लैक नमक के साथ जो अलग सा टेस्ट आता है वो व्हाइट नमक में नहीं आएगा। एक मैंने नींबू लिया है और साथ में जो मैंने ली है इमली की चटनी ली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुलचे छोले बनाना। और कुलचे छोलों के लिए मैंने प्लेटिंग रेडी कर ली है बिल्कुल देसी स्टाइल में, स्टील के बर्तन में। तो घर का खाना बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बाउल मैंने ले लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी चने। तो मैं एक प्लेट बना रही हूँ तो मैं एक प्लेट का ही बनाऊंगी। मैंने थोड़े से चने ले लिए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे व्हाइट नमक क्योंकि हमने काला नमक यूज कर लिया है। इसमें डाल देंगे हम इमली, ये इमली की चटनी मैंने घर पे ही बनाई थी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, आप कर देंगे मिक्स। चने बन के तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे एक नींबू का रस। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, ये छोले बन के तैयार है। अब जो कुलचे हैं इनको हम बटर के साथ सेक लेंगे। तो ये तैयार है, साइड पर रख देती हूँ। अब जो कुलचे हैं इनको हम गर्म कर लेंगे, गैस को ऑन कर देती हूँ, थोड़ा तवे को गर्म होने देते हैं। जो ये बटर है इसको मैं हल्का हल्का कुलचे के ऊपर लगा दूंगी। इससे क्या होगा, हमारे पूरे कुलचे का जो कलर है, क्रिस्पीपन है, वो अच्छे से आएगा। इनके ऊपर मैंने बटर लगा लिया है तो इनको सेक लेंगे। और कुलचे के बैक साइड पे भी हम बटर लगा देंगे। इस तरीके से दूसरे साइड पलट पलट कर सेक लेंगे। तो देखिए ऐसे सिकना शुरू हो गए हैं, पलट पलट कर थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे जैसे कि अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और अच्छे से सिक भी जाएंगे। तो देखिए अच्छे से सिक गए हैं, अब मैं इनको प्लेट में डालूंगी। प्लेटिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी,
अब गर्मा गर्म हम कुलचों को सर्व करेंगे। तो देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे कुलचे छोले। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में जैसे हम बाहर खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में और हमसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके कुल्चे छोले कैसे बने हैं। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।